हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आयु मेडिको में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलमाइक कैलामाइन लोशन के बारे में और जानेंगे कि ये लोशन हमारे स्किन में किस किस काम आता है और इसका क्या उपयोग है। इसके अलावा हम जानेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट और इसके लगाने का तरीका। इसका पूरा रिव्यू हम देंगे, ये कितने रुपीज़ का है कैलमाइक कैलामाइन लोशन, किस कंपनी का है और किन किन चीज़ों से ये मिलकर बना हुआ है। पूरा रिव्यू देखने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कैलमाइक कैलामाइन लोशन का वेट और इसका प्राइस, इसके अलावा ये किन किन इंग्रीडियंट से मिलकर बना हुआ है उनके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कैलमाइक कैलामाइन लोशन हमारा 120 ml का आता है। इसकी नेट क्वांटिटी 120 ml होती है। इसके अलावा अगर हम इसके प्राइस को देखें तो ये 126 रुपीज़ का आता है, यानी कि 126 रुपये इसकी MRP होती है। और अब हम बात करते हैं इसके इंग्रीडियंट के बारे में, यानी कि ये किन किन तत्वों से मिलकर ये कैलमाइक कैलामाइन लोशन बना हुआ है। तो सबसे पहला हमारा इसमें ग्लिसरीन है, कैलामाइन है और लाइट लिक्विड पैराफिन भी मिला हुआ है, डीनेचुरेटेड मिथिलेट स्प्रिट भी मिला है, सिटोसिटिल अल्कोहल, डाइफिनिल हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड मिला है, कैम्फर मिला है, सीटो मार्गोलॉल 1000 और इसके बाद इसमें कलरिंग एजेंट, परफ्यूमिंग एजेंट एंड प्यूरीफाइड वाटर से मिलकर ये पूरा हमारा कैलमाइक कैलामाइन लोशन बना हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके यूजेज यानी कि इसके उपयोग के बारे में और जानेंगे कि ये हमारा लोशन है किस किस काम आता है हमारी स्किन में। तो सबसे पहला हम इसमें देखते हैं ये हमारा सन प्रोटेक्शन, यानी कि अगर हम सूरज की रोशनी में जाते हैं और हमारी जो स्किन है उसका कलर डल हो जाता है या फिर हम बाहर गए उससे जो हमारे फाइन पार्टिकल जो धूल धंगड़ के कण होते हैं वो हमारी स्किन में रह जाते हैं, उनको भी अच्छी तरीके से रिमूव करता है और जो हमारी लाइट यानी कि सनलाइट से जो हमारी जो स्किन होती है वो डल हो जाती है, काली हो जाती है, उसको भी ये सही कर देती है पहले की तरह। ये सन प्रोटेक्शन का काम करता है लोशन हमारा। अब दूसरा हम देखते हैं फॉर माइनर इचिंग, अगर किसी भी वजह से जो हमारे पार्टिकल होते हैं फॉरजन पार्टिकल जो हमारे बाहर से आते हैं अगर उनकी वजह से हमें खुजली होने लगती है या फिर लाल लाल चकत्ते हमारे पड़ जाते हैं चेहरे पर किसी भी वजह से और उसमें फिर खुजली होने लगती है और इसके अलावा छोटे छोटे दाने निकल आते हैं उनको भी ये रिमूव करता है, हटाता है और इचनिंग खुजली में भी ये आराम देता है। फॉर कंप्लीट स्किन केयर, इसके अलावा ये जो लोशन होता है पूरी स्किन को केयर करता है, कोई भी हमारे चेहरे में या फिर कहीं भी स्किन में कोई भी दिक्कत होती है ये ऑलराउंडर सभी में काम करता है। इसके अलावा जो हमारे चेहरे पे ओपन स्पॉट्स हो जाते हैं उनको भी ये धीरे धीरे कैलमाइक कैलामाइन लोशन भर देता है और इसके साथ साथ ये हमारे चेहरे में गोरा भी करता है, शाइनिंग लाता है, ग्लोइंग देता है, इचनिंग को कम करता है और हमें सन प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा ये कंप्लीट स्किन केयर यानी कि ये पूरा स्किन को सुरक्षित रखता है। ये तो हो गए इसके कैलमाइक कैलामाइन लोशन के उपयोग। अब हम जानते हैं इसको हमें कैसे लगाना है। इसे लगाने से पहले जहाँ पर भी हमको इसे यूज करना है पहले उसे हल्के गुनगुने पानी से धो लेना है, वहाँ पर खूब अच्छी तरीके से धोने के बाद अपनी स्किन को साफ किसी कपड़े सूती या फिर हम कॉटन की सहायता से उसे अच्छे से पोंछ लेंगे, सुखा लेंगे। उसके बाद हम कैलामाइन लोशन को निकाल के और इसे यूज करने से पहले सबसे पहले हमको इसको ऐसे ऐसे सेक करना है यानी कि हिलाना है। इसके बाद हमें इस लोशन का यूज करना है और वहाँ पे लगा के हमें थोड़ी देर रब यानी कि चलाते रहना है, उसके बाद उसको छोड़ देना है। इसे कम से कम नहीं तो 7 या 8 घंटे के लिए लगा रहने दें, उसके बाद फिर आप इसे हल्के गुनगुने पानी से अपनी स्किन को धो सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। आप देखेंगे कि स्किन पहले से ग्लोइंग करने लगेगी और इसके अलावा जो हमारी ऑयली स्किन होती है वो भी ऑयलपन दूर हो जाएगा और स्किन शाइनिंग करने लगेगी। ये तो हो गया इसके लगाने का तरीका। अब हम जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादातर कोई भी नहीं होता है, लेकिन हमें इसे अपनी आँखों से दूर रखना चाहिए, अपनी आँखों में इसे नहीं पहुँचने देना चाहिए। इसके अलावा इसे हम बच्चों में भी यूज कर सकते हैं आसानी से, बच्चों के लिए भी कोई ये हार्मफुल नहीं होता है यानी कि बच्चों को ये नुकसान नहीं पहुँचाता है। इसके अलावा यदि आपको कैलमाइक कैलामाइन लोशन के बारे में कोई भी सवाल पूछना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड, थैंक फॉर वॉच माई वीडियो।